नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कोठी में भीषण आग लग गई। आग की सूचना राहगीरों ने इलाका पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, बमुश्किल आग पर काबू पाया है, लेकिन इस आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम की घटना बताई जा रही है। आगरा में मंडी समिति मामले में सपा के तीन नेताओं ने मंगलवार को दीवानी न्यायालय में सरेंडर किया है। 2022 विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले मंडी समिति में पुलिस से सपा नेताओं की नोकझोंक हुई थी। पुलिस ने कई सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। अब तक कई नेताओं की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, तो कईयों ने सरेंडर किया है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव, रामगोपाल बघेल, राजपाल यादव ने दीवानी न्यायालय में सरेंडर किया। अलीगढ़ में तेज रफ्तार के कहन ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, साथ ही कार चालक और कार को थाने ले आई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ में फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया, जहां फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि शासन के आदेशानुसार अलीगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा फार्मासिस्टों को स्थानांतरण के नाम पर अवैध वसूली करने के बाद भी फार्मासिस्टों का स्थानांतरण अपनी मर्जी से किया जा रहा है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोगों ने बताया कि संबंध में शासन आदेश का पालन नहीं किया गया, तो फार्मासिस्ट एसोसिएशन धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखेंगे। अमेठी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक इतनी निर्दयी हो गए हैं कि उन्होंने ईंट पत्थर से कूच कर एक बंदर की जान ले ली। वहीं पुलिस भी इतनी लापरवाह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भाजपा द्वारा जिला कार्य समिति का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नियंत्र सेवा भाव से राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करता रहा है। ऐसे में श्रेष्ठ राय मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। भाजपा निरंतर अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। सभी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने की हमारी पहल है और आगे भी यही अंतिम लक्ष्य हमारा रहेगा। मॉनसून सीजन को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चमोली जिले में आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम खोल दिए गए हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि आपदा के समय या भारी बारिश के समय किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। फतेहपुर जिले में ग्रामीण और स्व सहायता समूह की महिलाओं ने राशन कोटे की दुकान आवंटन में बिना खुली पाई गई, जिसके बाद एक बैठक कराई गई है और बैठक में ये विरोध जताया है कि ठीक तरीके से ना तो उन्हें राशन मिल रहा है और ना ही उनके राशन कार्ड को ठीक तरीके से चेक किया जा रहा है। राशन कोटा आवंटन किए जाने का विरोध करते हुए पूर्ति विभाग और पंचायत अधिकारी पर धांधली का भी आरोप लगा दिया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन देकर खुली बैठक कराकर राशन कोटा आवंटन की यहाँ पर मांग की है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक दलित के घर के बाहर पड़े छप्पर में आग लगा दी और मार पिटाई की है, जिससे लोग घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सर, सिगरेट लेने के विवाद के बाद मारपीट और घर में आग लगाने का मामला आया, क्या पुलिस ने कार्रवाई की इस पर? ये थाना बिलग्राम का मामला है, जिसमें रिसेंट निवासी सरोना दुर्गागंज ने प्रार्थना पत्र दिया है कि गांव के ही कुलवीर आज चार नफर लोगों ने पुड़िया और सिगरेट लेने के लिए करके
इनमें विवाद हुआ और कुलवीर आज ने इनको गाली दिया तथा जान से मारने की धमकी दी तथा घर के बाहर जो छप्पर था उसमें पूछ की उसमें आग लगा दी है। पुलिस को जैसे सूचना मिली उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र किया जा रहे हैं, इसके आधार पर जो भी दोषी हुआ उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी में बिना मंडी शुल्क दिए माल से भरे हुए दर्जनों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। रात को व्यापारियों ने मंडी में हंगामा काटा, फर्जी रसीद दिखाकर ये वाहन गुजरते हैं से आरोप लगाए जा रहे हैं। मूंगफली 50,000 बोरे, मक्का 20,000 बोरे, सरसों 2,000 बोरे की आवक है लेकिन कोई भी ऐसा पर्चिया नहीं दिखाता और फर्जी तरीके से इन वाहनों को आगे निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से ये घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि लंबे अरसे से ऐसा किया जा रहा है। व्यापारियों की जुगलबंदी से ये गोरख धंधा जो है वो पनप रहा है, ऐसे आरोप अधिकारियों और व्यापारियों पर लग रहे हैं। लाखों रुपए के राजस्व की क्षति की जा रही है। मामला आगरा रोड पर स्थित नवीन मंडी का बताया जा रहा है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गौकशी के मामले में ये फरार चल रहा था जिनसे एक को पकड़ लिया गया है, एक फरार बताया जा रहा है। नैनीताल में समस्त पत्रकारों से अपने अपने संस्थान द्वारा नियुक्ति पत्र की प्रति सूचना कार्यालय नैनीताल या मीडिया सेंटर हल्द्वानी जमा करने को कहा गया है। जिला सूचना अधिकारी नैनीताल ने जारी पत्र में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कार्य कर रहे पत्रकार अपने संस्थान के द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र की प्रति सूचना विभाग को भी उपलब्ध करा दे ताकि उन्हें महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूचना दी जा सके। सूचना विभाग द्वारा उठाया गया यह कदम पत्रकारों ने इसका स्वागत किया है और स्वागत योग्य बताया है। या बता दें कि जब बहुत कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कई लोग बाहर से आकर अपनी आईडी लगा देते हैं जिससे पता नहीं चलता। ऐसे में ये तर्क दिया गया है कि पहले से ही प्रतिसूची रहेगी तो जो भी बड़ा कार्यक्रम होगा उसकी पहले ही जानकारी सभी पत्रकारों को दी जाएगी। सरोवर नदी नैनीताल से दूर भीमताल पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नीम करौली महाराज कैंची धाम के दर्शन भी किए जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा नीम करौली महाराज का फोटो भी उन्हें भेंट किया गया। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्र में आई बरसात के कारण आपदा को लेकर बात की और कहा कि आपदा को लेकर सभी टीमें पूरी तरह से अलर्ट हैं, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा जा रहा है। मोहब्बत की नगरी में हसीनाओं की नुमाइश की जा रही है। सैलून के नाम पर देह व्यापार किया जा रहा है। कैटवॉक कराकर ग्राहकों को लड़कियां पसंद कराई जा रही हैं। अवैध रूप से इस पार सैलून चल रहे हैं जहां पर देह व्यापार चल रहा है और इसे रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कैटवॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना ताजगंज क्षेत्र के पैलेस इंटरनेशनल सैलून का ये वीडियो बताया जा रहा है। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ही ये होटल बताया जा रहा है। बीच सड़क पर युवाओं द्वारा खतरनाक स्टंट किए जा रहे हैं। शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड पर युवा खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। ताज नगरी में रोजाना इस तरह के नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। लड़कों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालने के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम का यहां पर खतरा बना रहता है और शहर के जागरूक नागरिक ने राजा मंडी से हरिपर्वत तक एमजी रोड पर स्टंट करते हुए युवा लड़कों का वीडियो बना लिया जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। साधापुर में जसमीर सहानी ने रामायण डिस्क्वालीफाइड नाम की एक किताब लिखी जिसका विमोचन कुछ दिन पहले ही एक होटल में हुआ था। किताब के विमोचन में प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कई व्यापार नेता भी मौजूद थे। किताब का विमोचन होते ही ये किताब विवादों से घिर गई है जिसके बाद इस किताब के लेखक ने इस पुस्तक के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगा दी। विमोचन के बाद जब हिंदू संगठनों ने इस पुस्तक को पढ़ा तो इस पुस्तक में उन्हें रामायण से संबंधित कई उल्लेख तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए दिखाई दिए। इसी बात को लेकर हिंदू संगठन ने आक्रोशित होकर एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को इस विवादित पुस्तक के लेखक जसमीर साहनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
जगदेही हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। जमीन के लालच में उसकी हत्या की गई थी। महिला की तकिए से मुंह दबाकर जान ले ली गई थी। हथियारों ने महिला के शरीर पर पहचान मिटाने के लिए तेजाब भी डाल दिया था। लक्सर के पंचेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी के चले जाने के बाद पूजा पाठ करने के लिए तहसीलदार ने मांगेराम पुजारी को जिम्मेदारी दी थी। जैसे ही ग्रामीण पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में पहुंचे तो उसे वहां मंदिर के गेट पर ताले लगे मिले। कुछ देर बाद पुरवाला गांव के लोगों ने मांगेराम को पूजा पाठ न करने और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया और अपना मालिकाना हक जता रहा था। जबकि मंदिर में 3 गाय मवेशी कल से भूखी है, कोई देख रेख करने वाला मौजूद नहीं है। ऐसे में पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई गई है। गोविंदनगर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 3 बच्चों की मां के घर पर एक चोर घुसाया। पहले उसने घर में रखी नकदी चुराई, फिर महिला को अकेले देखकर उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। महिला के सुर मचाने पर पड़ोसियों ने चोर को वहां से भगाया। इस दौरान चोर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद चोर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। गढ़तौली से ग्राहक परेशान है। गढ़तौली का विरोध करने पर कर्मचारी द्वारा ग्राहकों के साथ मारपीट और बदतमीजी पर उतारू हो गए। बता दें कि कई गांवों के बीच में मवाकोठी बाजार में श्रीनाथ द्विवेदी एकमात्र फिलिंग स्टेशन है, जिसे पेट्रोल पंप के संचालक के अलावा कर्मचारी भी लगाम हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां ग्राहक गढ़तौली के शिकार हो रहे हैं। हर ग्राहक को मीटर शून्य कर पेट्रोल देने का प्रावधान है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर ऐसा नहीं होता। ग्राहकों के साथ हेराफेरी करने के लिए मीटर को शून्य किया ही नहीं जाता। शादी का झांसा देकर एक युवक युवती के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। 2 बार गर्भवती होने के बावजूद युवक ने शादी नहीं की। गर्भपात कराने के बाद युवती ने फिर से शादी का दबाव बनाया तो युवक ने गाली गलौज करते हुए युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देती रही। अश्लील फोटो वायरल करने की बात कहकर लंबे समय तक डराता भी रहा। किसी तरह युवती ने युवक की शिकायत लिखित रूप से पुलिस को दी है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।